उत्तर प्रदेश सरकार ने तेल के दामों के ऐतिहासिक ऊंचाई छूने से परेशान उपभोक्ताओं को गुरुवार को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कमी करने के निर्णय के बाद यह घोषणा की। इससे राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें कुल 5 रुपए प्रति लीटर घट जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती का ऐलान किया है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तेल के दामों में इतने ही रुपए की कमी का निर्णय लिया है। पिछले कई दिनों से यह मांग हो रही थी कि तेल के दाम में हो रही बढ़ोतरी में कमी लाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ खपत भी सबसे ज्यादा होती है। इस राज्य में पिछले कई वर्षों से इसके दाम पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है, लेकिन आम जनता की मदद के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में देश के कई राज्यों के मुकाबले तेल के दाम कम है। इस कटौती से हमें 4,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा, मगर जनता के हित में हमने यह कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इस कटौती से उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलेगी। लखनऊ में गुरुवार को पेट्रोल के दाम 83.35 रुपए और डीजल के दाम 75.63 रुपए थे, जो ऐतिहासिक रूप से ऊंचाई को छू चुके हैं। इसके पूर्व केंद्र वित्त मंत्री जेटली ने दिल्ली में डीजल और पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर की राहत देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकारों से भी वैट में इतनी ही कटौती करने का आह्वान किया था।